हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे डिजाइन ऑफ एक्सरे रूम या फिर एक्सरे रूम डिजाइन। आज की छोटी सी वीडियो के अंदर आप कुछ बेसिक सी ही बातें कवर करेंगे। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप रेडियोलॉजी से पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका और यहाँ सिंपल सी बात करते हैं कि एवरी एक्सरे लैब रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एज रेडिएशन प्रोटेक्शन इज सिग्निफिकेंट इन एक्सरे रूम और रेडियोलॉजी रूम। ये कह रहा है कि हर एक एक्सरे लैब, हो सकता है एक्सरे लैब या फिर अपने ये पैथो की लैब होगी, पैथोलॉजी लैब, तो कोई भी लैब बना रहे हैं अपना हॉस्पिटल के अंदर या फिर मान सकते हो कोई भी कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम अपना सेटअप करें अपना, तो वहां सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात होगी। अगर अपना डिपार्टमेंट की बात की जाए, क्योंकि रेडियोलॉजी से रिलेटेड अपना ये टॉपिक चल रहा है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की सबसे पहले आती है रेडिएशन प्रोटेक्शन की, कि किस तरह उसके अंदर अपना शील्डिंग्स का यूज करें। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि रेडिएशन प्रोटेक्शन को अपने को ध्यान में रखना है। दरअसल जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक्सरे मशीन होगी अपनी, एक्सरे इक्विपमेंट्स होंगे अपने, उनको अपन एक ऐसी जगह पे उनको इंबेड करेंगे या प्लान करेंगे जहां हर एक डिपार्टमेंट से वहाँ पहुँचना इजी हो अपने लिए। इट मीन्स ग्राउंड फ्लोर पे उन चीज़ को रखा जाएगी, और अगर अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के हैं तो वो पेशेंट्स क्या करेंगे, लिफ्ट का यूज़ करके आएंगे जो इमरजेंसी वाले हैं, या फिर हो सकता है वो सीडीज़ का यूज़ करके आए, तो हो सकता है अपना रूम एक्सरे रूम या सीढ़ियों के पास भी हो सकता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि एक्सरे रूम ज़्यादा रीचेबल होगा, इजीली एसेसिबल होगा, तो वहाँ अपने सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिलेगा कि वहाँ कोई इमरजेंसी के टाइम, जैसे क्योंकि हो सकता है इमरजेंसी आ जाए, लिफ्ट बंद हो या लिफ्ट ना चले, तो उस केस में अंदर लाइफ थ्रेटनिंग केस हो सकते हैं ऐसे, तो उस केस के अंदर अगर बेसमेंट में है तो इमरजेंसी को डायरेक्ट अपन वहाँ यूज ले जाया जा सकता है और अपने एक्सरेज का यूज़ किया जा सकता है कि क्या भी उसको डायग्नोसिस है, क्या चीज़ है, क्या कंसेप्ट है, वो सारा वहाँ स्टडी कर सकते हैं। इट मीन्स अपना एक्सरे रूम मेनली बेसमेंट इसमें सॉरी ग्राउंड फ्लोर पर देखने को मिलेगा। बाकी हॉस्पिटल की स्ट्रक्चर पर, उसकी कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि बेसमेंट में हो या फर्स्ट फ्लोर पर मेनली देखने को मिलेंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर पर मिलेंगे तो उसका कुछ एक दो रूल्स होंगे, वो आगे अभी डिस्कस करेंगे। देन कह रहा है कि एक्सरे रूम लेआउट डिजाइन केयरफुली एडिक्वेट शील्डिंग फिनिश इन एक्सरे वॉल टू। अपन ये बात की थी रेडिएशन प्रोटेक्शन की, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए अगर एक्सरे रूम के अंदर प्रॉपर शील्डिंग रखनी होगी और उसी शील्डिंग के साथ साथ वो वॉल्स की भी शील्डिंग रखनी होगी। हो सकता है वॉल्स की कंक्रीट वॉल होगी, प्योर सिमेंटेड वॉल होगी, उसके साथ साथ उस पर एक ये लेड की कोटिंग होगी, तो वो डिपेंड करेगी गाइज। उसके बाद डिजाइन में बात करें तो उसके एक्सरे रूम में चेस्ट स्टैंड की क्या पोजीशनिंग है, अपना कंट्रोल कंसोल कहाँ है, और जो मूवेबल प्रोटेक्टिव बैरियर्स, जो भी अपने मूवेबल ऑब्जेक्ट्स है, जो ट्यूब वगैरह है, वो एक प्रॉपर मूव हो रही है कि नहीं, या फिर प्रोटेक्शन बैरियर्स बोल सकते हो, अब जो भी अपन डिवाइसेज यूज़ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन डिवाइसेज या फिर बीम लिमिटिंग डिवाइस, जो भी चीज़ें आप यूज़ करें उस माहौल के अंदर या फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी प्रॉपर अपने को मैनेजमेंट रखनी होगी, प्रॉपर उनको यूटिलाइज करके रखना होगा। और साथ ही साथ में जो ग्लास यूज किया जा रहा है, वो व्यूइंग विंडो बोलते हैं जिसको, मेनली सिटी में देखने को मिलेगी या फिर एक्सरे रूम में होगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि व्यूइंग विंडो अपने को एक्सरे में भी देखने को मिलेगी। अपना जो भी कंट्रोल कंसोल होगा, वहाँ एक वुडन शील्ड होगी जो कि लेड की बनी होगी, तो वहाँ भी आप उसका यूज़ करते हैं, एक छोटी सी विंडो देखने को मिलेगी, तो वो विंडो लेड की होनी चाहिए और प्रॉपर चाहिए ताकि अपने को अपना रूम के अंदर सारी चीजें अपने को क्लियर दिख जाए। देन कह रहे हैं गाइज की रूम्स टिपिकली स्मॉलर इन साइज, मेनली अपने रूम्स ना छोटे ही देखने को मिलेंगे, हो सकता है ये 10-12 का देखने को मिले, या फिर ये 16-20 का, या फिर कई बार अगर बड़ा होगा तो 18x18 का भी देखने को मिल सकता है, 18x18 का। और ये डिपेंड करता है कि वहाँ वर्कलोड कितना है अपना, कहीं ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स को या फिर बोल सकते हो कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन के साथ अपना टाई अप है, तो वहाँ उनको ट्रेनिंग के लिए अपना ले रहे हैं, तो वहाँ स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस बेस पर अगर डिपेंड करेगा। अगर अपना छोटा डायग्नोस्टिक सेंटर है तो थोड़ी जगह में काम चल जाएगा, अगर हो सकता है उसी एक्सरे में अपने फ्लोर वगैरह को इम्बेड कर रखा है, प्लांट कर रखा है, तो उस केस में फिर अपने को बड़ा रूम चाहिएगा। तो ये डिपेंड करेगा कंडीशंस टू कंडीशन, ठीक है गाइज। देन उसके बाद ये फ्लोर की अगर बात की जाए तो गाइज अपने को लगभग आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, पहले बात क्या करे थे आप, सेकेंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, मेरी फर्स्ट फ्लोर पर देखने को मिलेगा, अगर फर्स्ट फ्लोर पर तो अपने को 6 से 8 इंच की कंक्रीट फ्लोर होना चाहिए वहाँ, मतलब प्योर सीमेंटेड बोल सकते हो, पूरा कंक्रीट का बना होना चाहिए वहाँ, ताकि रेडिएशन का वहाँ से कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए जाए। और साथ ही साथ में जो फ्लोर होगा वो इतना होना चाहिए कि वेट बीरिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए जहाँ मशीन पर रखी जा रही है, ठीक है गाइज। देन उसके बाद बात की जाए तो गाइडलाइन ऑफ एक्सरे लेआउट
एक्सरे रूम लेआउट स्टेपन बाई अथॉरिटी एजेंसी, और जो अपनी जो क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, AERB इंडिया जो अपनी है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है अपना, तो वहाँ उसमें क्या क्या कंसेप्ट है, उसके क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन चीज़ को अपने को हमेशा ध्यान रखना है। उन रूल्स रेगुलेशन के अंडर ही अगर अपन मशीन को इम्प्लांट करेंगे, चीज़ों को अपन अच्छे तरीके से रखेंगे, तो इन फ्यूचर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ अपने को वहाँ तैयार रखनी होगी। देन कह रहे कि अपना डोर मेनली होना चाहिए हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है रूम बंद करना भूल जाते हैं, तो उस केस के अंदर वो ऑटोमेटिक होगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये कह रहे कि एक लाइट भी होनी चाहिए डोर पे, ग्रीन और रेड बोलते हैं, अगर अंदर पेशेंट नहीं है तो अपन ग्रीन रखेंगे, अगर पेशेंट है अंदर स्टडी चल रही है तो उसको अपने को रेड कर देंगे। तो ये चीज़ आपको बोल सकते हैं रूम डिज़ाइन कर देते हो उसमें ये ध्यान रखनी होती है, या फिर एग्जाम में भी पूछ ले तो ये आप बेसिक से बातें बता सकते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कुछ, मैंने इस एक स्लाइड में ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखा था जो एक्सरे रूम के डिज़ाइन की लेआउट में बोल सकते हैं या फिर एक्सरे रूम डिजाइनिंग में रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट थी लोकेशन ऑफ एक्सरे इंस्टॉलेशन, कहाँ अपन लोकेट किया जा रहा है एक्सरे को, मतलब पेशेंट्स के लिए ईजिली अवेलेबल है कि नहीं, आसपास हॉस्पिटल के साथ टाई अप है तो वो डायरेक्ट अपने पास आके मिल सकते हैं, हो सकता है अपना सीढ़ियों के पास हो, लिफ्ट के पास देखने को मिलेगी, या फिर ग्राउंड फ्लोर पर ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ हर एक मीटिंग पॉइंट बोल सकते हैं उस पॉइंट के अंदर अपना एक्सरे डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। देन रूम साइज डिपेंड करेगा कि कौन सी मशीन वहाँ यूज़ की जा रही है, ठीक है, सीटी एक्सरे MRI जो भी है, फ्लोरो है क्या, एक्सरे फ्लोरो के साथ है, जो चीज़ पैट सीटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ देखी जाएगी कि उसका वर्कलोड कितना है, उनका टाई अप्स है कि नहीं मेडिकल कॉलेज के साथ, मेडिकल इंस्टीट्यूशन के साथ, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा उसका। देन लेआउट, रूम लेआउट अपन को इस तरह डिज़ाइन करनी जिसके अंदर अपने को रूम कम से ये डोर्स कम से कम रखने होंगे, आई थिंक एक अपना कंसोल का रूम हो जाएगा और एक अपना पेशेंट के लिए रूम हो जाएगा, दो ही डोर होंगे मेनली एक रूम के अंदर, तो इन चीज़ का अपने को हमेशा ध्यान रखना है लेआउट के अंदर। देन कंट्रोल पैनल अपना एक्सरे रूम के अंदर प्रॉपर आना चाहिए गाइज, और उसके साथ साथ कंट्रोल पैनल में अपने को एक लेड शील्डिंग या फिर बोल सकते हो एक वुडन की एक पूरा प्लाईवुड मिलेगा और उस पर प्रॉपर अपने को शील्डिंग देखने को मिलेगी। देन गाइज वेटिंग एरिया, कई बार क्या होता है वर्कलोड ज़्यादा होगा तो पेशेंट्स के बैठने के लिए भी जगह होगी, तो वहाँ चेयर्स का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि हो सकता है अगर वर्कलोड ज़्यादा आ जाए तो वो पेशेंट को या फिर उनके साथ वालों को एक एरिया मिल जाए कि वहाँ वो वेट कर सकते हैं। देन वार्निंग लाइट एंड पोस्टर, वार्निंग लाइट्स तो गाड़ी का मेनली देखने को मिलेगी, वहाँ रेड और ग्रीन का बात कर चुके हैं, मेनली वही वार्निंग लाइट होगी या फिर नोटिफिकेशन या सेफ्टी लाइट बोल सकते हैं उसको। एंड उसके साथ साथ पोस्टर्स रेडिएशन हैजर्ड्स के, रेडिएशन सेफ्टी के अपने रूम के अंदर और डिपार्टमेंट के अंदर अपने को कुछ पोस्टर्स देखने को मिलेंगे, और वो होने कंपलसरी है ताकि पता चल जाए, एक तो अपना प्रेगनेंट वूमेंस है तो उनके लिए तो उससे ये पता चल जाएगा कहीं कोई वूमेन प्रेगनेंट है तो उसको देखती हाँ कि ये कुछ ना कुछ इसका रिस्क है तो डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, तो वो ऑटोमेटिक उसके माइंड में जाएगा तो वो डॉक्टर को बता सकती है गाइज। देन उसके बाद शील्डिंग, प्रॉपर अपने को शील्डिंग रखनी होगी, प्रॉपर लेड्स का यूज़ होगा, प्रॉपर लेड ग्लास का यूज़ किया जाएगा, लेड एपरेंस, लेड थायरॉइड शील्डिंग, गोनेड शील्डिंग, सारी जो भी शील्डिंग्स का अपने को यूज़ किया जा रहा है उनको प्रॉपर अपने को तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से यूज़ करना होगा। देन ओपनिंग एंड वेंटिलेशन, ओपनिंग मीन्स अपने को डोर्स का ध्यान रखना और रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए गाइस, अगर डार्क रूम है तो वहाँ लाइट का एंट्री नहीं होनी चाहिए, अगर अपना रूम वैसे नॉर्मली ये जो CRDR है तो वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए गाइस, और साथ ही साथ में रूम में एयर कंडीशनर वगैरह वो सब होनी चाहिए ताकि अपनी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कैलिब्रेशन वगैरह अच्छे तरीके से करे और अपना सिस्टम पूरे तरीके से चलता रहे। देन बात की जा रही है गाइस की नॉर्मली जो हॉस्पिटल्स के अंदर बात की जाए तो लैब एरिया वहाँ जो भी कॉमन विजिटर्स होंगे वो तो आ ही नहीं सकेंगे, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है जैसे पब्लिक एरिया हो गया, वेटिंग एरिया हो गया, इमरजेंसी होगी तो कुछ ऐसी जगह जैसे कॉमन विजिटर वैसे विजिट करते रहते हैं तो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अपना डिपार्टमेंट ऐसा होगा कि वहाँ हर कोई कॉमन विजिटर नहीं आएगा, या पेशेंट या फिर पेशेंट के साथ वाला या फिर ओनली फिर स्टाफ ही आ पाएगा या फिर डॉक्टर वगैरह की एंट्री होगी, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है गाइज, ठीक है। इसके कुछ प्रिकॉशंस भी देखने को मिल सकते हैं, तो जो भी जहाँ भी आप काम करें तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सिर्फ स्टाफ वाले ही उसके अंदर एंट्री हो तो एक्स्ट्रा लोग ना आ पाए। देन उसके बाद स्पेशल केयर टेकन क्लीनिंग ऑफ हाइजीन ड्यूरिंग दिस एरिया, और गाइज क्योंकि देखिए कुछ ऐसे स्टडी हो सकती है या फिर कुछ कोविड पॉजिटिव या फिर ये एड्स के पेशेंट देखने को मिल सकते हैं बोल सकते हैं ना, या फिर कुछ ऐसे डिजीज़ के जो कि स्प्रेडेबल है, तो उस केस में अपने को सेफ्टी का ध्यान रखना होगा खुद की, हो सकता है उसके तो मास्क को यूज़ करें, उसके साथ साथ आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं गाइज, फेस शील्डिंग का यूज़ कर सकते हैं, अब जो चीज़ें हैं जो जो पर्सनल हाइजीन में आप चीज़ों को यूज़ करते हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसके साथ क्लीनिनेस की जो भी रूम के अंदर साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, डस्ट वगैरह ना हो, हर एक स्टडी के बाद रूम क्लीन होना चाहिए, हर एक स्टडी वो मीन जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट स्टडी हो रही है, इधर उधर कुछ चीज़ें गिर रही है तो उस चीज़ के अंदर अपने को ध्यान रखना होगा, RGM स्पेशल स्टडी
चीज़ें ना, तो उस केस के अंदर रूम की प्रॉपर क्लीनिंग होनी कंपलसरी है ताकि जो नेक्स्ट पेशेंट आए उसके लिए इंप्रेशन भी अच्छा हो और रूम में नीटनेस भी मेंटेन की जाए। देन बात की जा रही है कि ओपनिंग एंड वेंटिलेशन व्हेन इट इन्वॉल्व्स लैब मेंटेन सर्विसिंग ऑफ किट देयरफॉर रेडिएशन असिस्टेड शुड बी चेक रेगुलरली। यहाँ गाइज अपने को प्रॉपर ओपनिंग होनी चाहिए रूम के अंदर, उसके साथ साथ प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन के साथ साथ गाइज जो भी अपनी मशीन है उसकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस टाइम टू टाइम होना चाहिए। कहीं क्या होता है रेडिएशन लीकेज वगैरह ये फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, ट्यूब लीकिंग वगैरह की कुछ ऐसे इश्यूज देखने मिलेंगे, तो इन चीज़ को अगर आप प्रॉपर टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम अपने को नहीं आने वाली। देन बात की जा रही है गाइज की ओवर द ईयर शील्डिंग इफेक्ट रिड्यूस इट एज टू बी चेक। यही बात है ना, क्योंकि हो सकता है आज आपने एक्सरे इम्बेड किया कहीं भी एक्सरे मशीन रखी, तो हो सकता है 7-8 महीने बाद अपने को वहाँ कुछ लीकेज वगैरह देखने को मिले, जो अपने वो चीज़ें लेड्स वगैरह यूज करे थे उनमें कुछ ब्रोक हो गई हो या फिर अपना एप्रन में चीज़ें ब्रेक हो गई हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जिस टाइम अपने शुरू में सेट किया था अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सिस्टम के साथ, उसके बाद अभी जो अभी सिस्टम में आप सेट करे हैं या फिर आज का जो टाइम है 6-7 महीने 1-2 साल बाद, तो वहाँ कुछ ना कुछ जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रिड्यूस हुआ मिलेगा, तो उसको आपको प्रॉपर मेंटेन रखना है। तो ये कुछ इस तरह से अपना एक्सरे रूम को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके साथ ये कुछ उसके प्रिकॉशन से रूल्स रेगुलेशन थे, तो इन चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो अपना एक्सरे रूम प्रॉपर तरीके से काम करेगा और जो भी आपका वर्कलोड है वो एक अच्छे तरीके से अपने को एफिशिएंसी में काम चलता रहेगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा गाइज। आज की वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।